Here is the question. The electrolysis of acetate solution produces ethane according to reaction. This is the complete reaction जहाँ पर ethane क्या कर रहा है, sorry, acetate क्या कर रहा है, acetate का solution ethane को produce कर रहा है. आगे क्या बोला है, the current efficiency of the process is 80%. What volume of gases would be produced at 27 degree Celsius and 740 torr pressure if the current of 0.5 ampere is passed through the solution for 96.45 minute. आपने क्या किया है, एक सॉल्यूशन लिया है एसीटेट का जिसके अंदर 0.5 एम्पीयर करंट आपने पास की है 96.45 मिनट के लिए, और इस करंट की एफिशिएंसी कितनी है, 80% है. मतलब कि टोटल 100% में से सिर्फ 80% करंट क्या है आपके यहां पर वर्क कर रही है. ठीक है, तो 0.5 का आप 80% निकाल लेंगे. ठीक है, तो इतने टाइम तक जब आपने करंट पास की तो इस टेम्परेचर प्रेशर पर कितना वॉल्यूम ऑफ टोटल गैसेस वहां पर क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, आपको यह बताना है. ठीक है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना. ये मेरे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT. ध्यान से समझना मैंने इसी इक्वेशन क्यों लिखा. देखो मेरे पास टेम्परेचर दिया है, मेरे पास प्रेशर दिया है. ठीक है, मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ द टोटल गैस बताना है, वॉल्यूम ऑफ द टोटल गैस बताना है, तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल गैसेस. टोटल गैस के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, एथेन प्लस CO2 के दोनों के टोटल चाहिए, इनटू R रियल गैस कांस्टेंट है, T मेरा टेम्परेचर है, और P क्या हो गया, मेरा प्रेशर हो गया, जिसे मैं ATM के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि ये किस में दिया है मुझे, टोर के अंदर दिया हुआ है. ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएंगे मुझे, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मिल जाएगी. लेकिन वॉल्यूम ऑफ द गैस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. मुझे बताओ जब आप किसी सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करते हो तो वहां पर गैसेस क्या होती है, इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होती है या फिर इवॉल्व होती है. ठीक है, ये हम कहां पढ़ते हैं, हम फैराडेस फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं. फैराडेस फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि जब भी हम सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करते हैं वहां पर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होगा. तो इन शॉर्ट हमें यहां पर फैराडेस फर्स्ट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. फैराडेस फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी वेट, टोटल वेट ऑफ गैसेस होगा वो क्या होगा, चलिए टोटल वेट ऑफ द गैसेस तो नहीं लिख सकते हम, लेकिन हम दोनों में से किसी एक की बात करते हैं, एथेन और CO2 में से. तो ध्यान से समझो, जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू आई इनटू टी अपॉन 96500. अच्छा मुझे बताओ कि आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ एथेन बता सकते हो क्या, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एथेन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका एंड फैक्टर, हमारे पास कोई आंसर नहीं है देने के लिए. लेकिन मुझे बताओ क्या CO2 के लिए हम बता सकते हैं इक्विवेलेंट वेट. अच्छा अब ये भी नहीं करना, तो आप सिंपल से क्या करो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर दो. बताओ वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, मान लो मैं CO2 के मान लेता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके निकाल लेता हूं, मैं CO2 के निकाल लेता हूं. वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर लिया ना, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. ये किसके हो गए, मान लो कि मैं CO2 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, करंट इनटू टाइम अपॉन 96500. चलिए करंट कितनी पास कर रहे हो, 0.5 एंपियर, वो भी कितने एफिशिएंसी साथ, 80% मतलब कि 0.8 इनटू टाइम कितना हो गया, 96.45 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, अपॉन क्या हो गया, 96500. क्लियर हो गया, जो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 यहां पर आएंगे वो कितने आएंगे, देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 यहां पर सॉल्व कर लेने से ये आ जाएगा आपके पास 0.024. कितना आ जाएंगे, एप्रोक्स आ जाएगा, एप्रोक्स आंसर आएगा आपके पास 0.024 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके पास क्या होंगे, CO2 के यहां पर इवॉल्व होंगे. लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें CO2 के मोल्स चाहिए. तो ध्यान से समझो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू n फैक्टर. बताइए कितने हैं, 0.024 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन n फैक्टर, अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा. बताइए n फैक्टर CO2 कितना है. देखो जब ये रिएक्शन हुई तो दो मोल CO2 प्रोड्यूस हुए और साथ में दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए. बताओ दो मोल CO2 को प्रोड्यूस के टाइम पे दो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक मोल के लिए कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया. तो मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए, 0.024 हो गए. क्या ये बात समझ में आती है, मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए, 0.024 हो गए. अच्छा इसका जब दो मोल प्रोड्यूस हुआ तो इसका एक मोल प्रोड्यूस हुआ, तो अगर इसके 0.024 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका कितना होगा, जस्ट हाफ. तो मोल्स ऑफ एथेन कितने हो जाएंगे, 0.012 हो जाएंगे. बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए मेरे पास, 0.024 ऑफ CO2 के एंड 0.012 एथेन के, टोटल कितने हो गए, 0.036 मोल्स हो गए मेरे पास. क्लियर है, गैसेस के टोटल मोल्स कितने हो गए, 0.036 हो गए. वापस बात कर लेते हैं, देखो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 निकाल लिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर कितना हो जाएगा CO2 का, क्योंकि देखो दो CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक CO2 कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, तो n फैक्टर कितना हो गया इसके लिए, CO2 के लिए 1 हो गया. तो 1 से डिवाइड कर लिया तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गए, 0.024 आ गए. ठीक है, एथेन के लिए कितना हो जाएगा, देखो
इसका 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका सिर्फ 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका अगर 0.024 प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका कितना होगा जस्ट इसका हाफ तो कितना होगा 0.012 मोल्स ऑफ आपके पास एथेन प्रोड्यूस हो जाएगा तो टोटल मोल्स आ गए 0.036 चलिए वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालना है टोटल गैस कितना हो जाएगा देख लीजिए 0.036 × 0.0821 × टेंपरेचर आपके पास 300 केल्विन 27 को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना अपॉन प्रेशर किसने आपके पास टोर के अंदर है मुझे एटीएम में चाहिए 1 एटीएम कितना होता है 1 एटीएम होता है 760 टोर तो बताओ 740 टोर कितना होगा एटीएम के अंदर 740 डिवाइडेड बाय 760 हो जाएगा तो 740 डिवाइडेड बाय 760 तो 760 ऊपर चला जाएगा ऊपर यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं 760 थोड़ी सी जगह कम है यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं ठीक है तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कैलकुलेट कर लेना है यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कितना आएगा 0.91 लीटर देन हियर इज योर आंसर एंड चेक कर लेना ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन